जो आपके पास एडवांस में आने वाले क्वेश्चंस हैं वो मैं आपकी आपके साथ डिस्कस करता हूँ। तो सबसे पहले जैसे आप ये देखिए क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 12 है। भले पेपर एडवांस हो लेकिन आपके पास क्वेश्चन आसान बहुत सारे होते हैं जो आप मेंस के पेपर की तरह कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 हर बच्चा कर सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था ना कि क्वेश्चन छाट लिया करिए, वैसे ही आपको क्वेश्चन छाटने पड़ते हैं कि ऐसे क्वेश्चन कहाँ पर है और छाट कर भी कर लिया करिए। जैसे ये वाला क्वेश्चन, ये वाला जो क्वेश्चन है तो ये क्लास 11th के स्टैंडर्ड पे बेस्ड, लेकिन एडवांस में चल रहा है। क्या लिखा है? आपको बी की वैल्यू निकालनी है ताकि इन दोनों इक्वेशन में एक कॉमन मिल जाए। तो तुम कहोगे ये तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया, इसको करने के कई सारे मेथड है। अब मेथड तो कई सारे करने के मेथड, लेकिन हम आपको साथ में ये भी बता सकते हैं कि अगर मान लीजिए आपके पास दो इक्वेशंस होती हैं, अगर आपके पास दो इक्वेशंस होती हैं और अगर आपको पढ़ाया गया है कि दो इक्वेशंस के अगर दोनों रूट्स कॉमन है, तो मैंने बताया था कि अगर दो इक्वेशंस के दोनों रूट्स कॉमन है यानी बोथ रूट्स आर कॉमन, ऐसे केस में आप कहते हैं कि उनके जो रेशियोज होते हैं कोफिशियंट्स के वो इक्वल होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है कि दोनों रूट्स कॉमन नहीं है, वन रूट कॉमन है। लेकिन आपको ये भी पढ़ाया गया होगा बट वन रूट इज कॉमन, तो ये भी कंडीशन आप जानते हैं क्या होती है। और अगर आप कंडीशन नहीं जानते हैं तो आप मान लेंगे लेट अल्फा बी द कॉमन रूट, फिर दोनों को सेटिस्फाई कराएंगे। सेटिस्फाई करा के उस कॉमन रूट की वैल्यू यानी कि अल्फा की वैल्यू निकालेंगे, और जब अल्फा की वैल्यू निकल आएगी तो अल्फा की वैल्यू फिर सिचुएशन में सेटिस्फाई कराएंगे, और सेटिस्फाई कराने के बाद आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ये एक लॉन्ग प्रोसेस हो गया अगर आपको कुछ भी नहीं पता है। लेकिन अगर आपको पता है कंडीशन ऑफ कॉमन रूट तो आप डायरेक्टली लगा सकते हैं। क्या होती है ये, काफी बच्चे एग्जाम में अचानक भूल जाते हैं, होती है सी वन ए टू माइनस सी टू ए वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन। ठीक है, इन टू सी हो गया ए बी हो गया, उसके बाद आया बी सी यानी बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन। तो बच्चों अगर आपको ये कंडीशन पता है तो ये कंडीशन यूज करके आप फटाक से क्वेश्चन बहुत तेजी से उड़ा देंगे। और क्वेश्चन तो लग ही नहीं रहा कि एडवांस का है, क्यों? क्योंकि आपने ए वन पहचान लिया वन है, बी वन क्या है बी है, सी वन क्या है माइनस वन है। फिर से देखो ए टू है वन, बी टू है वन एंड सी टू है बी। ठीक है, वन बी माइनस वन 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 बी, वैल्यू उठा के पुट कर दो। चलिए ओके, तो बच्चों यहाँ पे वैल्यूज बस आप पुट कर दीजिए। तो सी वन इज माइनस वन, ए टू इज वन, सी टू इज बी, ए वन इज वन इज इक्वल टू ए वन, ए वन इज वन, बी टू इज वन, ए टू इज वन। ठीक है, बी वन इज बी, बी वन इज बी, सी टू इज बी, बी टू इज वन एंड सी वन इज माइनस वन। ठीक है, ये वैल्यूज पुट कर दी। अब आप देखिए बच्चों क्या हो गया, ये बन गया माइनस वन माइनस बी, ठीक है इज इक्वल टू वन माइनस बी, ठीक है इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस वन। क्या सबको क्लियर है? क्लियर है, इसको ओपन कर दीजिए। बच्चों माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, तो ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर की तरह ट्रीट होगा। ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हो गया बी स्क्वायर प्लस वन माइनस का बी क्यू माइनस का बी। ठीक है, यहाँ पे समझ में आ गया। तो वन से वन कैंसिल हो गया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, टर्म्स आइडेंटिफाई करो तो टू बी प्लस बी क्यू इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से आ जाएगा बच्चों थ्री बी प्लस बी क्यू इज इक्वल टू जीरो। समझ में आ गया। अब इसमें से बी कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा, थ्री प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। तो दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट जीरो है, तो पहला वाला भी जीरो हो सकता है और दूसरा वाला भी जीरो हो सकता है। तो बच्चों अगर हम इसको जीरो करेंगे तो बी स्क्वायर की वैल्यू थ्री आएगी। अब हम ऑप्शंस चेक करेंगे कि बी की वैल्यू जीरो तो नहीं गिवन है, नहीं गिवन है। ऑप्शंस में बी की वैल्यू इमेजिनरी गिवन है, तो इसका मतलब आपने सेकंड वाली इक्वेशन को सॉल्व किया।
दैट मींस यहां से बी स्क्वायर आ जाएगा माइनस थ्री। बात समझ में क्लियर है? यानी बी इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस थ्री। क्या आप इस तरह से लिख सकते हैं? और बच्चे ये तो जानते ही, इसको हम लिख सकते हैं प्लस माइनस रूट थ्री आई। यानी यहां से बी की दो वैल्यूज निकल के आई, एक आई रूट थ्री आई और एक आई माइनस रूट थ्री आई। तो बच्चों जब आप ऑप्शंस चेक करेंगे तो उसमें कौन सा आंसर आपको नजर आ रहा है? ये तीन आंसर नजर आ रहे हैं, ठीक है? अब तीनों आंसर्स में आपको चेक करना होगा, जो भी आंसर आपके पास गिवन होगा वही आंसर उठा के आप टिक कर देंगे। तो कौन सा आंसर टिक करेंगे? ये ऑप्शन आपके पास गिवन है और ये ऑप्शन टिक हो जाएगा और उस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी। हो गया? तो बच्चों क्वेश्चन आपको छाटने भी पड़ते हैं, अगर आप छाट लेंगे तो आपसे क्वेश्चन वाले भी हो जाएंगे जो आपको पता है, ठीक है? चलिए अब बच्चों और भी क्वेश्चंस आप करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 टाइप के भी बहुत सारे क्वेश्चंस बने हुए हैं और ये हो जाते हैं, बस हमारी सोच बहुत डेवलप हो जानी चाहिए धीरे धीरे करते करते क्वेश्चंस को। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ ये कैसे किए जाते हैं। देखिए ये है बच्चों आपका क्वेश्चन। बच्चों अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देख रहे हैं तो क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है ए एंड बी बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन विद ए ग्रेटर देन बी। ए एन आपके पास डिफाइंड है तो आपको एक एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। हालांकि बच्चों इस तरह के क्वेश्चन आपको ऑलरेडी कराए गए हैं, लेकिन अब आप एग्जाम में कितना जल्दी कर पाते हैं ये डिपेंड करता है। देखिए बच्चों सबसे पहले अगर आप क्वेश्चन पेपर में चालू करेंगे तो आप ये इक्वेशन लिखेंगे और लिखेंगे उसके रूट्स क्या है ए और बी। तो ए और बी है तो सबसे पहले आपकी आदत होगी कि आप इसका सम ऑफ रूट्स लिखेंगे, क्या लिखेंगे? सिक्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिखेंगे, क्या लिखेंगे? माइनस टू। ये सब लिखेंगे ना। इसके अलावा अगर आप एडवांस का पेपर कर रहे हैं तो सारी पॉसिबिलिटी आप एक बार में खींच लेते हैं। आप कहेंगे ए इस इक्वेशन का रूट है तो उसको सेटिस्फाई भी कर रहा होगा क्यों भाई? और अगर बी इस इक्वेशन का रूट है तो बी भी इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा, ठीक है? ये बात क्लियर है। उसके बाद अब आप कहोगे कि सर और क्या बातें गिवन? हमने कहा और बातें गिवन है कि जो ए एन वो है ए की पावर है माइनस बी की पावर है। इसका मतलब हमें एक्सप्रेशन को एवेल्युएट करने के लिए ए टेन की जरूरत पड़ेगी तो मैंने ए टेन लिख दिया। ए एट की जरूरत पड़ेगी तो मैंने ए एट भी लिख दिया कि वो है क्या। ए नाइन की जरूरत पड़ेगी, मैंने ए नाइन भी लिख दिया है क्या, ठीक है? क्यों? ठीक है बच्चों, तो वो मैं लिखता चला जा रहा हूँ, आप देखते रहिए बस, ये मैंने लिख दिया। अब बच्चों ये आपको टर्म्स अपीयर कराने ए टेन ए एट ए नाइन। अब अगर क्वेश्चन को बड़ा करना है तो क्वेश्चन बड़ा भी काफी हो सकता है, हो जाएगा सॉल्व, टाइम लगेगा, 15 से 20 मिनट खर्च हो जाएगी अगर आप ए टेन बी एन टी में निकालते हो। अगर आप बच्चों अपना समय बचाना चाहते हो तो इस तरह के क्वेश्चंस को करने की ट्रिक आपको हमने बता रखी थी कि इस वाली इक्वेशन में जैसे ए स्क्वायर इसमें ए की पावर 8 का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इक्वेशन बन जाएगी ए की पावर 10 माइनस 6 ए की पावर 9 माइनस 2 ए की पावर 8 इक्वल टू 0, ठीक है? और मान लो बच्चों ये वाली इक्वेशन है, इस वाली इक्वेशन में आप क्या मल्टीप्लाई करते हो? सिमिलरली बी की पावर 8। बच्चों इस वाली इक्वेशन में आप b की पावर 8 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो जैसे ही आप b की पावर 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वेशन बनेगी b की पावर 10 माइनस 6 b की पावर 9 माइनस 2 b की पावर 8 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन बनेगी। अब बच्चों कुछ नहीं करना, अब आपको जो टर्म्स अपीयर कराने थे वो अपीयर हो जाएंगे। उनको अपीयर कराने क्या करेंगे, आप दोनों इक्वेशन को प्लस नहीं करेंगे माइनस करेंगे तभी तो आएगा माइनस प्लस प्लस, साइन चेंज कर दिया। तो बच्चों यहां से क्या निकल के आएगा उसको आप लिखना स्टार्ट कर दीजिए, आपका क्वेश्चन ओवर हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं लिखना। सबसे पहले क्या आएगा, ए की पावर 10 माइनस बी की पावर 10 आएगा। फिर क्या आएगा, माइनस 6 टेंस ए की पावर 9 माइनस बी की पावर 9 आएगा। फिर आएगा माइनस 2 टाइम्स ए की पावर 8 माइनस बी की पावर 8 इक्वल टू 0। अब जो सारे टर्म तो आप जानते हैं क्योंकि ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू है ए टेन, ये वैल्यू क्या है ए नाइन, ये वैल्यू क्या है ए एट, ठीक है?
अब बच्चे चेक करो जो आपको एक्सप्रेशन चाहिए बिल्कुल यही है वो बोल चेक किया आपने। अब एक काम कर लीजिए 2a की पावर 8 को इस तरफ ले आइए ठीक है और 6a की पावर 9 को उस तरफ ले जाइए और 6a की पावर 9 से आप 3 निकाल करके या 2 निकाल के नीचे की तरफ लाइए तो 6a की पावर 9 को आप लिख लो 2 इंटू 3 इंटू ए की 9 2 इंटू 3 इंटू ए 9 लिख दो और 2 इंटू ए 9 को आप नीचे ले आओ 2 इंटू ए 9 को आप नीचे ले आओ और 3 को यहाँ पे छोड़ दो उस एक्सप्रेशन की वैल्यू आपको नजर आने लगेगी डायरेक्टली कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी है 3 और जैसी नजर आ गई तो क्वेश्चन खत्म हो गया। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं और वो छोटे ही होते हैं तो देखा बच्चों क्वेश्चन कितनी जल्दी हो सकता है ये। चलिए हम लोग बच्चों दूसरे क्वेश्चंस भी अब यहाँ पे पिकअप करते हैं वो भी देखिए। ठीक है बच्चों दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के साथ। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या लिखा है x y z बी द पॉइंट्स विद इंटीजर कोऑर्डिनेट सेटिस्फाइंग द होमोजेनियस इक्वेशन। अगर बच्चों आपने मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट भी पढ़ रखा होगा ना क्लास 12 में तो भी आप बहुत जल्दी कर लेंगे क्योंकि ज्यादातर बच्चे तो उसको मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट के क्वेश्चंस में ही डालते हैं। तो अगर होमोजेनियस इक्वेशन होती है तो आपको क्लास में भी पढ़ाया गया होगा कि उसका एक जो सॉल्यूशन होता है वो x equal to 0 y equal to 0 z is equal to 0 होता है ना तो एक इंटीजर सॉल्यूशन तो आएगी क्यों भाई और वो इक्वेशंस को सेटिस्फाई भी कर रहा है। लेकिन अब कह रहा है कि कितने भी क्योंकि बच्चों x equal to 0 y equal to 0 z equal to 0 डालेंगे तो सेटिस्फाई कर रहा है इस रिलेशन को 0 less than equal to 100 कर रहा है ना सेटिस्फाई तो एक तो इंटीग्रल कोऑर्डिनेट हो गया लेकिन बाकी कितने होंगे ये तो पता नहीं। तो हम लोग बच्चों क्या करते हैं इक्वेशंस को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं क्या करते हैं सिंप्लीफाई। जैसे आप देखिए ध्यान से जो सेकेंड इक्वेशन उसमें लिख दो z equal to 3x लिख सकते हैं चेक करिए। जो फर्स्ट इक्वेशन है वो है 3x minus y minus z equal to 0 ठीक है जरा ध्यान से देखिएगा जरा सभी लोग ध्यान से देखें। एक काम करो बच्चों जो थर्ड इक्वेशन है उसको लिखो पहले तो हो जाएगा माइनस 3x माइनस 3x प्लस z प्लस 2y इक्वल टू 0। बच्चों हमने क्या किया थर्ड इक्वेशन को पहले लिखा माइनस 3x प्लस z प्लस 2y इक्वल टू 0 ठीक है क्यों लिखा क्योंकि हम इसकी वैल्यू जानते हैं माइनस 3x प्लस z की वैल्यू कितनी है 0 तो यहां से उनको y की वैल्यू नजर आ गई 0। ये बात समझ में आ गई। तो बच्चों अब हम ऐसे लिख सकते हैं कि अगर हम x को x मान लें y को 0 मान लें और z को 3x मान लें तो आपको ये तीनों इक्वेशंस काम कर रहे हैं। चेक कर लो बच्चों और कोई तरीका ही नहीं है सॉल्व करने का। x आपका x हो गया y 0 हो गया z 3x हो गया ये आपका जो पेयर है ये तीनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। आप जरा इसको चेक कर लो एक बार ठीक है ओके। तो बच्चों ये आपके पास पेयर निकल कर क्या है क्योंकि बच्चों वैसे तो x की वैल्यू निकलेगी नहीं इसलिए हमने इस तरह से ये डाटा कन्वर्ट कर। अब हमको ये बताइए कि आपने x को x माना y को 0 माना और z को 3x माना तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 100 जो पेयर है उस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है तो ये हो जाएगा 10x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 100 इसका मतलब x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 10 ये बात हम लिख सकते हैं। x स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं लेस देन इक्वल टू 10। अब जो हमारे पास अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम इसके फैक्टर वगैरह करने लगेंगे इसको इनइक्वालिटी की तरह सॉल्व ना करिए आप यहीं से अपने पेयर्स जज कर लीजिए क्योंकि जो आपका एक्स वाई जेड का पेयर है वो इंटीजर कोऑर्डिनेट्स है तो वो नेगेटिव वैल्यूज एक्सेप्ट नहीं करेगा ठीक है ना। हाँ चेक करते चलिए बच्चों सबसे पहले हाँ एक्स क्या ले सकते हैं जैसे हमने एक्स को जीरो लिया तो जीरो सेटिस्फाई कर रहा है तो अगर हम एक्स को जीरो लेंगे तो पहला पॉइंट क्या आएगा जीरो कॉमा जीरो कॉमा जीरो आ गया जीरो के बाद हम वन डाल या माइनस वन डाल क्या सेटिस्फाई कर रहा है ठीक है वन भी कर रहा है और माइनस वन भी कर रहा है क्या कर रहा है ना मतलब भाई एक इंटीग्रल कोऑर्डिनेट तो एक्स इक्वल टू जीरो से आ गया
दूसरा इंटीग्रल कोऑर्डिनेट x इज इक्वल टू प्लस वन से आएगा, प्लस वन से आएगा तो एक अलग पेयर बनेगा, माइनस वन से आएगा तो एक अलग पेयर बनेगा, यानी तीन सोल्यूशन होगा। x इक्वल टू प्लस माइनस टू से एल बना लो, टू से बनेंगे तो फोर लेस देन इक्वल टू टेन, और माइनस टू का स्क्वायर मतलब तब भी फोर लेस देन इक्वल टू टेन, तो यहां से भी दो सोल्यूशन एक पांच हो गए। अब देखो अगर हम प्लस माइनस थ्री डालेंगे तो भी इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा, चेक करो, नाइन लेस देन इक्वल टू टेन माइनस नाइन का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू टेन, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। यानी कि आपको ये समझ में आ गया कि टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे, क्योंकि हम इसके आगे बढ़ेंगे तो वो रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा क्योंकि 16 लेस देन इक्वल टू 10 नहीं होगा। यानी आपके पास दो सॉल्यूशंस यहाँ से हो गए, दो सॉल्यूशंस यहाँ से हो गए, दो इंटीग्रल कोऑर्डिनेट्स यहाँ से हो गए, एक इंटीग्रल कोऑर्डिनेट यहाँ से हो गया, तो यानी टोटल आपके पास सात सॉल्यूशंस हो गए, ठीक है। तो मेरे ख्याल से बच्चों आपको याद आ गया होगा, ऐसे क्वेश्चंस आपने किए भी हैं। चलिए ठीक है बच्चों, वो दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए किस तरह के और भी आसान टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले, वो भी देखिए। ठीक है बच्चों, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, तो क्वेश्चन नंबर 18 को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ठीक है बच्चों, आपके पास है क्वेश्चन नंबर 18, तो क्वेश्चन नंबर 18 मैंने आपको करने के लिए कहा था कि क्वेश्चन नंबर 18 को अगर आप पढ़ेंगे तो आपके पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस आर इक्वल टू जीरो, जिसके रूट से अल्फा और बीटा, और दूसरी क्वेश्चन है जिसके रूट से अल्फा बाई टू इंटू टू बीटा। तो आप दो इक्वेशंस लिखेंगे, उनके सम ऑफ रूट्स लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिखेंगे, जैसा कि आप हर बार करते हैं। ये देखिए सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, दूसरी इक्वेशन का सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। बच्चों आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा तो वो सिर्फ आर की वैल्यू चाहता है। अब आर की वैल्यू चाहे आप फर्स्ट रिलेशन से देखो, चाहे आर की वैल्यू आप सेकेंड रिलेशन से देखो, आपको आर की वैल्यू नजर आएगी कि वो अल्फा इंटू बीटा का प्रोडक्ट है। अब आप चाहते होंगे कि अल्फा और बीटा निकल जाए, तो बच्चों अल्फा बीटा के लिए आपके पास दो इक्वेशन दी, एक इक्वेशन ये दी है और दूसरी इक्वेशन आपकी ये दी है। तो इन दो इक्वेशंस को यूज करके आप क्या निकाल सकते हो, अल्फा और बीटा। तो अल्फा और बीटा निकालने के लिए आप इन दो इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लो, समझ आया, एक ये इक्वेशन और दूसरी ये इक्वेशन। जैसे बच्चों आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास यहाँ से अल्फा बीटा निकल आएगा, ये अल्फा हो गया और ये बीटा हो गया। अल्फा बीटा आ गया तो आप आर निकाल लोगे, आर क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा हो गया। तो बच्चों क्वेश्चन तो ये काफी ईजी है, मतलब इसमें कुछ भी ऐसा खास नहीं है कि हम लोग बहुत देर तक इस पर एक्सप्लेन करें। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास यहाँ पर दो इक्वेशंस गिवन है, इन दोनों इक्वेशंस को x नॉट y नॉट टाइप का सॉल्यूशन सेटिस्फाई करता है, तो पूछ रहा है x नॉट क्या होगा। तो बच्चों हम सेटिस्फाई कराएंगे तो हमारे पास टाइम और बढ़ जाएगा, तो हम ऐसा करेंगे, हम सेटिस्फाई नहीं कराते, हम डायरेक्टली इन इक्वेशन से x नॉट y नॉट निकालने की कोशिश करते हैं और वही आपका एक्स वाई होगा। ठीक है, तो बच्चों ये दो इक्वेशंस की सॉल्विंग है और कुछ नहीं। अगर आप दो इक्वेशंस की सॉल्विंग कर लोगे आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट इक्वेशन, आपको सर ये इक्वेशन थोड़ी नहीं, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अब सिंप्लीफाई करने के लिए दोनों इक्वेशंस में लॉग की जगह ln यूज किया गया, तो आप भी ln यूज कर लो, तो आप दोनों तरफ क्या लोगे, ln लोगे। ln लेने से पावर क्या होगी, वो बाहर आ जाएगी, तो ये बन जाएगा ln 2 ln 2x is equal to ln 3 ln 3y। ठीक है, अब ध्यान से देखो ये क्या बन गया, ये बन गया ln 2, ln 2x क्या हो गया, हो गया ln 2 plus ln x, ये बात समझ में, ये हो गया ln 3, ln 3y को लिख दो, ln 3 plus ln y, ये इक्वेशंस बन के क्रिएट हो। अब दूसरी इक्वेशन को देखते हैं, ये फर्स्ट इक्वेशन आपकी रह गई, दूसरी इक्वेशन है 3 की पावर ln x is equal to 2 की पावर ln y। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फिर से हम दोनों तरफ log ले लेंगे, जैसे ही हम दोनों तरफ log लेंगे तो ये ln x नीचे आ जाएगा, ये बन जाएगा ln 3, ln y नीचे हो जाएगा, ये बन जाएगा ln 2। अब बच्चों इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ेगा। अब आप कहोगे निकालना क्या, हमने कहा बेटा निकालना है x, x निकालना है, तो अभी काम करो,
या कुछ भी कर लो जैसा तुम्हारा मन है। हम ऐसा कर लेते हैं, यहाँ से एल एन एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो कितनी आएगी एल एन वाई एल एन टू अपॉन एल एन थ्री। अमूमन हम लोग एक्स की वैल्यू ज्यादातर निकालते हैं, चलो ठीक है निकाल लिया हम लोग, तो ये हो गया एल एन टू। आप एल एन वाई की भी निकाल सकते हो, एल एन टू प्लस एल एन एक्स, एल एन एक्स क्या हो जाएगा, हो जाएगा एल एन वाई, ठीक है क्या लिखे एल एन वाई एल एन टू अपॉन एल एन थ्री, ऐसे लिख सकते हैं इज इक्वल टू एल एन थ्री, एल एन थ्री प्लस एल एन वाई, ये तो एज इट इज लिखती है। चलिए बच्चों आगे कंटिन्यू करते हैं, जनाब ध्यान से सिर्फ देखना होगा आपको, ठीक है देखिए तो बच्चों बन गया एल एन टू, या एलसीएम ले लेंगे तो बन जाएगा एल एन टू एल एन थ्री, ठीक है प्लस एल एन वाई एल एन टू होल डिवाइडेड बाय एल एन थ्री, ठीक है इज इक्वल टू एल एन थ्री, एल एन थ्री प्लस एल एन वाई, ठीक है ध्यान दिया आप लोगों ने बच्चों, ध्यान से देखो इसको थोड़ा आपको करना पड़ेगा, जैसे ऊपर से एल एन टू कॉमन है तो बाहर ले लो, तो ये बन जाएगा एल एन टू का होल स्क्वायर बन जाएगा, ये बन जाएगा एल एन थ्री प्लस एल एन वाई होल डिवाइड बाय एल एन थ्री। बच्चों उस वाले टर्म को भी इधर ले आओ, तो हो जाएगा एल एन थ्री, एल एन थ्री प्लस एल एन वाई इक्वल टू जीरो, यहां तक समझ में आ गया। ध्यान से देखो एल एन थ्री प्लस एल एन वाई दोनों में कॉमन है तो कॉमन ले लो, अंदर क्या बचा वो लिख दो, अंदर बचा एल एन टू का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय एल एन थ्री माइनस एल एन थ्री इक्वल टू जीरो। अब बच्चों दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट जीरो है तो पहला भी जीरो हो सकता है, दूसरा भी जीरो हो सकता है, दूसरा वाला जीरो करोगे तो एल एन टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एल एन थ्री का होल स्क्वायर आ जाएगा, दैट मीन्स एल एन टू बराबर एल एन थ्री, वो तो होता ही नहीं है क्योंकि एल एन टू की वैल्यू अलग होती है एल एन थ्री की अलग होती है, यानी दूसरा वाला जीरो नहीं हो सकता, ये जीरो नहीं हो सकता, तो जीरो किसको होना पड़ेगा इसको, जैसे आप इसको जीरो करोगे तो एल एन थ्री इज इक्वल टू माइनस एल एन थ्री इज इक्वल टू एल एन वाई आ जाएगा। अब क्या करो, यहाँ से वाई निकालो नहीं, एल एन वाई की वैल्यू डायरेक्टली आप उस इक्वेशन में पुट कर दो, एल एन वाई की वैल्यू डायरेक्टली आप अपनी जो दूसरी वाली इक्वेशन थी उसमें पुट कर दो, तो जैसे ही पुट करोगे तो एल एन थ्री से एल एन थ्री क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, तो आपका एल एन एक्स कितना आ जाएगा माइनस ऑफ एल एन टू। अब क्या करो बच्चों, इस माइनस को ऊपर ले जाओ तो ये टू की पावर माइनस वन हो जाएगा, यानी एक्स होगा टू की पावर माइनस वन, इसका मतलब हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू वन बाई टू, और एक्स नॉट वाई नॉट ही सोल्यूशन थे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेंगे, तो एक्स नॉट आ जाएगा वन बाई टू, समझ पाए। और बच्चों अगर आप वाई निकालना चाहो वाई नॉट तो वो भी निकाल सकते हैं, इस रिलेशन से आप क्या करोगे माइनस को ऊपर ले जाओगे तो माइनस ऊपर पहुंच गया, तो यहां से y आ जाएगा 1 by 3, इसका मतलब y not क्या आ जाएगा 1 by 3, तो बच्चों क्वेश्चन में तो ऐसा कुछ है ही नहीं, x not भी निकल गया y not भी निकल गया और क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब इसको मोर देन वन बना करके भी क्वेश्चन में रखा जा सकता है, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। चलिए बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो बच्चे ये सब क्वेश्चंस कहने भर के चाहिए एडवांस के, बाकी क्वेश्चन काफी इजी है, चाहे तो सारे खुद से भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, जरा आप उसको ट्राई करिए क्वेश्चन नंबर 9 को, तो होपफुली बच्चों आप लोगों ने कर लिया होगा, इस तरह की क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जब पावर वाली आती है तो आपको दोनों तरफ लॉग लेना पड़ता है। अब यहाँ पर आपने जैसे ही दोनों तरफ लॉग लिया आपका क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया, लॉग लेते ही आपका क्वेश्चन तीन से चार लाइन में फिनिश हो जाएगा, बस आपको लॉग की प्रॉपर्टी सही ढंग से पता होनी चाहिए।